नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है गुजिया। गुजिया के बिना दिवाली का त्यौहार बहुत ही अधूरा सा लगता है। सबके घर में गुजिया तो ज़रूर ही बनती है, क्योंकि वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ज़्यादा दिन तक हम रख भी सकते हैं उसे। तो घर के सभी लोग इसे मिल करके बनाते हैं, उसको बनाने का मज़ा ही कुछ और ही होता है। तो आज मैंने बनाई है नारियल के स्टफिंग वाली गुजिया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखते हैं गुजिया में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। गुजिया बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम नारियल का बूरा लिया हुआ है और लगभग 150 ग्राम मैंने पीसी हुई चीनी ली है। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश मैंने थोड़े थोड़े लिए हुए। इसको क्रश कर लेंगे, चाहे तो आप इसमें घी में भून के भी क्रश कर सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो। और जो हम आटा तैयार करेंगे गुजिया या करंजी बनाने के लिए, तो उसको मैं गूंदने के लिए दूध लिया हुआ है। पानी से भी गूंद सकते हो, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस रहती है। तो मैदे में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच दूध पाउडर, जिससे आटा बहुत ही अच्छा होगा, उसमें क्रीमीनेस रहेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। और स्टफिंग में मैं इलायची भी डाल रही हूँ। लगभग 10 से 12 इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी लिया हुआ है, जिसे गर्म करके मैं गुजिया के डो में डालूँगी। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करना होगा मैदे का। तो उसके लिए एक मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें मैं ये मैदा डाल दूँगी। मैदे को अच्छे से छान लिया है और उसमें मैंने लगभग 2 चम्मच दूध पाउडर लिया हुआ है, उसको मिक्स कर देती हूँ। और 2 चम्मच बारीक वाली सूजी ली हुई है। और इसमें मैं, आप देसी घी भी डाल सकते हो, मैं वनस्पति घी डाल रही हूँ गरम करने के लिए रखा हुआ। ये देखिए अच्छा गरम हो चुका है, मैं ये डाल दूंगी क्योंकि ये अभी गरम है। तो मैं इसे चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। घी का जो मोयन डला है उससे बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस आएगी गुजिया के डो में। तो पहले ये गरम है तो मैं चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद में हाथों से अच्छे से मसल के मिक्स करूँगी। अब मैं हाथों से मिक्स करती हूँ। देखिए इस तरह से अच्छे से मसल लूंगी। गुजिया का डो मैं दूध से ही गूंदूंगी, टेस्ट तो अच्छा आता ही है और अच्छी सॉफ्टनेस रहती है। जरूरी नहीं है कि आप दूध से ही गूंदें, आप पानी से भी गूंद सकते हो। ये देखिए एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। और मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के गुजिया का डो तैयार करूंगी। रूम टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल है ये बिल्कुल। और इसमें मैंने सूजी भी डाली है। तो आटा गूंदने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम रखेंगे, आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के आटा तैयार करूंगी। ये देखिए गुजिया के लिए मैंने डो तैयार किया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध छिड़क करके रखूंगी, क्योंकि इसमें सूजी डली हुई है। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रखूंगी तो अच्छे से डो तैयार हो जाएगा, सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी। इस तरह से दूध इस तरह से छिड़क के अच्छे से मसल देंगे, ये देखिए। और इसे ढक करके मैं रख दूंगी। जब तक गुजिया का आटा सेट हो रहा है, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं ये नारियल का बूरा, इसे बिल्कुल धीमी आंच पे लगभग 4 से 5 मिनट भून लिया है, क्योंकि गुजिया हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नारियल के बूरे में थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो भूनने से स्मेल नहीं आती। और ये पीसी हुई चीनी है,
इलायची पाउडर है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये काजू को मैंने क्रश कर लिया है, चाहे तो आप मिक्सर में भी कर सकते हो, मैंने कूट लिया है इसे, हल्का सा दरदरा रखा हुआ है। बादाम को भी क्रश कर लिया है और ये चिरौंजी है, किशमिश ली हुई है छोटी वाली, और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयारी हो गई है, उसके बाद हम गुजिया बनाएंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। स्टफिंग तैयार हो गई है हमारी, आटे को देख लेती हूँ मैं। ये देखिए, एक बार अच्छे से मलेंगे इसे, अच्छा सॉफ्ट सा होना चाहिए। ये देखिए, दूध हमने इसमें छिड़क के रखा हुआ था, तब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, मल लेंगे थोड़ा। चाहे तो आप इसमें देसी घी भी लगा सकते हो या दूध लगा सकते हो ज़रूरत के अनुसार। तो थोड़ा सा मैं देसी घी लूँगी इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आटा तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हम गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए आटा भी तैयार है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा मुलायम आटा तैयार हुआ है, और स्टफिंग भी तैयार है। और इसकी रोटी बेलने के लिए मैदा लिया हुआ है मैंने सूखा, और गुजिया के किनारों पे लगाने के लिए दूध लिया हुआ है, और मैं सांचे से बना रही हूँ गुजिया, तो ये सांचा लिया हुआ है। तो छोटी सी लोई लेंगे एक, गोल कर लेंगे, और मैदा लगा के पतली सी बेल लेंगे हम। ये देखिए, छोटी सी मैंने ये रोटी बेल ली है गुजिया बनाने के लिए, तो अब ये सांचे के ऊपर रखूंगी। और बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। अच्छे से दबा दबा के स्टफिंग भर देंगे। और इसके किनारे पर मैं दूध लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा दूध लगाऊंगी, जिससे ये चिपक, अच्छे से चिपक जाएगी। देखिए, इस तरह से लगा दिया मैंने, और इसको अब मैं पलट दूंगी इस तरह से। और अच्छे से दबा देंगे ताकि किनारे अच्छे से प्रेस होके ये कट जाए। ये देखिए किनारे, और एक्स्ट्रा जो ये बचा है इसे इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, गुजिया हमारी तैयार हो गई है, इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, गुजिया बन चुकी है, और इस तरह से बना बना के रखते जाएंगे, प्लेट में रखते जाती हूँ। अब एक और बेल लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा निकलते जाएगा हम उसे भी दोबारा बेलेंगे। एक गुजिया मैंने आपको सांचे से किस तरह से बनाते हैं वो बताई है, पहले टाइम में हम किस तरह से बनाते थे वो मैं आपको बताती हूँ। छोटी सी लोई ले ली है मैंने, और ये इस तरह से हमारे घर में है ये चक्री,
बहुत ही पुरानी है, ये पीतल की है, इसे पीछे से कटिंग करते थे और स्टफिंग भरने के लिए इसे साथ में चम्मच भी दिया हुआ है। तो मैं पहले इसे बेल लेती हूँ। आटा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हो। हाथ से भी डिजाइन देकर बनाया जाता है गुजिया को। ये देखिए छोटी सी बेल ली है मैंने और इसी चम्मच से मैं स्टफिंग भी डाल देती हूँ। स्टफिंग डाल दी है और किनारे पे हल्का हल्का सा दूध लगा दूंगी। और दूसरे भाग को ऐसे पलट देंगे और अच्छे से दबा देंगे। देखिए इस तरह से दबा देंगे, हाथ में दूध लगा इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा है ये। तो इस तरह से मैदा लगा दिया मैंने और ये देखिए रख के अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब इसके पीछे में जो ये कटर जैसा दिया रहता है इससे मैं इसे कट कर देती हूँ। ये देखिए हमारी ये गुजिया भी तैयार हो गई है। ये देखिए तो इसी तरह से मैं गुजिया तैयार कर लेती हूँ चार पांच, उसके बाद मैं तलूंगी। ये देखिए मैंने 7 से 8 गुजिया तैयार कर ली है और यहाँ पे मैंने घी भी गरम कर लिया है और बिल्कुल धीमी आंच रखी हुई है। कुछ मैंने सांचे से बनाई है और कुछ सिंपल तरीके से बनाई है। तो अभी मैं 2 डाल रही हूँ इसमें और धीमी आंच रखी हुई है बिल्कुल। और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आते तक तलेंगे हम गुजिया को। पलट देती हूँ मैं। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया इसमें। तो इस तरह से हम तल लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे ही तलेंगे। ये देखिए दोनों गुजिया को मैंने पलट पलट के तल लिया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए तो मैं निकाल लेती हूँ गुजिया को। एक्स्ट्रा ऑयल या घी झाड़ लेती हूँ और प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है तो उस पर गुजिया को निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। तो जो मैंने बना के रखी हुई है गुजिया तो अब उसे भी एक एक करके तलती जाऊंगी। वो ज़्यादा बना के रख देते हैं तो सूख जाती है, थोड़ी थोड़ी बनाते जाएंगे और तलते जाएंगे। देखिए इस तरह से धीमी आंच पे गुजिया को तलते जाएंगे। तो इसी तरह जितना मैंने आटा तैयार किया उसकी गुजिया तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद इसे सर्व करूँगी। गर्मा गर्म गुजिया बनके तैयार है खाने के लिए। गर्म गर्म गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।